हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटका बैंक के बारे में। आज ही इसके नतीजे आए हैं और नतीजे कैसे आए हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि जब शेयर 47 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी करना यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कर्नाटका बैंक अभी 47 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 16% का यहाँ पर ग्रोथ जरूर है। 39 रुपीज के ऊपर शेयर था, एक बहुत बड़ी रैली आई, 45 तक पहुंचा, वापस उतनी बड़ी गिरावट आई, 41 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद जो रैली आई है कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो चुका है। शेयर 47 रुपीज तक पहुंच चुका है बहुत ही कम वक्त में। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 47% की गिरावट भी है। 92 रुपीज के लेवल से कंटिन्यू शेयर नीचे गिरता है, बीच बीच में तेजी भी आई लेकिन उतनी बड़ी रैली नहीं आई जितनी बड़ी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल गई। 34 रुपीज तक ये शेयर टूट गया था, बाद में तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, अब फिर से तेजी यहाँ पर देखने को जरूर मिली है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में कर्नाटका बैंक में 68% की गिरावट है। 150 रुपए तक का हाई था और अभी 34 रुपए तक का लो भी इसने बनाया है। 10 साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 10 साल में कर्नाटका बैंक में 61% की गिरावट है। 160 रुपए तक का हाई है, 34 रुपए तक का लो है। देखिए, चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 3 साल में इसने पैसा कमा कर नहीं दिया है, 10 साल में भी नहीं दिया, 5 साल में भी नहीं दिया, 1 साल में भी नहीं दिया है। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि चार्ट देखकर एक चीज क्लियर है कि आपको गिरावट में चाहे तो खरीदारी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो जाए तो आपको यहाँ पर बने नहीं रहना है, आपको एग्जिट कर लेना है। ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप 5 साल 10 साल तक का निवेश करने का प्लान बना रहे हो, जी नहीं। ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट पे खरीदारी करनी है और जैसे ही आपको प्रॉफिट हो जाए मुनाफा वसूली करो और एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि वापस शेयर नीचे जरूर गिरेगा। छोटा सा बैंक है ये, 1430 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप बैंक है ये। एनएसई में देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, काफी ज्यादा क्वांटिटीज में आप यहाँ पर खरीदारी बिकवाली जरूर हुई है। यहाँ पर हम देखें तो डिविडेंड बहुत बढ़िया पे करता है ये। पिछले साल जुलाई महीने में 35% का डिविडेंड पे किया था, मतलब पर शेयर 3.5 रुपए तक का इन्होंने डिविडेंड पे किया था। इस बार डिविडेंड पे करता है कि नहीं वो देखने वाली बात है। कर्नाटक का बैंक की बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी शॉर्ट टर्म के लिए काफी बेटर मुझे दिखाई दे रही है, काफी सस्ता ये शेयर अभी अवेलेबल है, बहुत ही कम पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, किसी को भी ये ललचा सकता है। 3.28 का पी है जबकि इंडस्ट्री पी 26 के आसपास है, बुक वैल्यू 172 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.26 है, ईपीएस 13 के आसपास है और डिलीवरी तकरीबन 38 के आसपास में देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग बेचने की बात करें और 7% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, मतलब 97% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। 97% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, उनका कहना है कि भैया खरीदारी की है तो बने रहो और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। नतीजे इनके आए हैं और नतीजे में हालांकि डिप है लेकिन रीजन ये है कि हायर प्रोविजनिंग की है उन्होंने। यहाँ पर हम देखें तो मार्च क्वार्टर में सिर्फ 27 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट हुआ है जबकि पिछले क्वार्टर में 130 करोड़ का मुनाफा था। दिसंबर में 123 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार सिर्फ 27 करोड़ है। हालांकि सितंबर में भी 106 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में तो 175 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल भी 60 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बहुत कम मुनाफा हुआ है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है लेकिन उसका एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये है कि इस बार नुकसान ज्यादा हुआ। उसका रीजन ये है कि काफी ज्यादा प्रोविजनिंग यहाँ पर की गई थी, 355 करोड़ से भी ज्यादा की प्रोविजनिंग हुई थी जबकि पिछले साल वो प्रोविजन 314 करोड़ थी, उससे पहले 260 करोड़ थी, उससे पहले 201 करोड़ थी, उससे पहले 217 करोड़ थी। तो हायर प्रोविजनिंग के वजह से ये नुकसान इनको ज्यादा हुआ है और टोटल इनकम बढ़ी है, इजाफा हुआ है। 2080 करोड़ का टोटल इनकम है जो पिछले क्वार्टर में 2023 करोड़ था, उससे पहले सितंबर में 1940 करोड़ था, उससे पहले 1830 करोड़ था, उससे पहले 1821 करोड़ था। तो क्वार्टर दर क्वार्टर इनकम बढ़ रही है, ये अच्छी बात है लेकिन इस बार थोड़ा सा नतीजे अच्छे नहीं आए। रीजन ये कि प्रोविजनिंग ज्यादा यहाँ पर की गई थी तो इसीलिए आज शेयर में एंड ऑफ द डे जैसे ही इनके नतीजे आए और शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आ गई। शेयर में आपको देखिए कहाँ पे था ये शेयर, 45 रुपीज के ऊपर ट्रेड करा था और जैसे ही नतीजे आए एक ही झटके में शेयर सीधा 47 रुपीज तक पहुंच गया, क्योंकि मार्केट ने इस नतीजे को काफी पॉजिटिवली लिया है
और एक बहुत बड़ी रैली की तरफ इसको धकेल दिया है। और उम्मीद करते हैं कि ये रैली जो आई है वो कंटिन्यू रहे, तो वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है। पिछले एक साल को अगर हम देखें तो जो पहले 14.57% की होल्डिंग था, जो 12.80% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं पर है, 5.73% की होल्डिंग 5.74% है। म्यूचुअल फंड पहले 9.22% की होल्डिंग लेके बैठते हैं, आज 4.56% की होल्डिंग है। मतलब म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है, इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं है, एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को यहां पर कट डाउन किया है। तो ओवरऑल कर्नाटका बैंक के नतीजे जरूर मुझे लगता है कि पॉजिटिव आए हैं। और अगर मैं बात करूं खरीदारी करने को लेकर, तो मुझे लगता है कि अगर आपने खरीदारी की है तो आप चाहे तो बने रह सकते हैं, 55 रुपए का टारगेट आप यहाँ से लेके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, 55 रुपए का टारगेट जो मैं दे रहा हूँ वो मेरा एग्जिट का टारगेट है, ठीक है। अगर शेयर 55-60 रुपए तक पहुंचता है तो वहां पर आप मुनाफा वसूली करके चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो। और अगर आपने शेयर खरीदे नहीं या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कर्नाटका बैंक की जगह आप चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना पैसा लगाए, एसबीआई में लगाए। अगर आपको कर्नाटका बैंक में पैसा लगाना ही है तो खरीदारी आप कर सकते हो, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि 47 रुपीज का ये शेयर अभी ट्रेड कराए तो आप 45 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 50 रुपए तक का टारगेट के लिए आप इसको अप्रोच करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। कर्नाटका बैंक अच्छा शेयर है, जरूर आपको इस अच्छे नतीजे की वजह से एक तेजी देखने को मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो कर्नाटका बैंक के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, और वीडियो मैंने तब बनाया था जब शेयर 36 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर आप चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत पहले मैंने कर्नाटका के ऊपर एक वीडियो बनाया था, कर्नाटका बैंक के ऊपर, जब कोविड के चलते इतनी बड़ी गिरावट आई थी और मैंने बाइंग रिटर्न दी थी उस वक्त, और शेयर में काफी बड़ी तेजी भी अभी देखने को मिल चुकी है। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि शेयर में तेजी आ सकती है, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ ये तेजी सिर्फ शॉर्ट टर्म की होगी। लॉन्ग टर्म में चार्ट आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, जो पिछले 10 साल का चार्ट है, तेजी के बाद गिरावट होगी और गिरावट के बाद तेजी होगी। तो मुनाफा हो जाए तो आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा लंबी दूरी का मैं नजरिया यहाँ पर रखने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। नेक्स्ट टारगेट जो मेरा है वो शॉर्ट टर्म का 50 रुपए का है, और उसके बाद 55 रुपए का टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि थोड़ा रिस्की शेयर भी है, तो अगर आप सेफर साइड में रहना चाहो तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाई कर सकते हो। अगर आपको कर्नाटका बैंक बाई ही करना है तो आप एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और कर्नाटका बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।